अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं एशियन कुजीन में डिजी। आज की रेसिपी है शामी कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार डिलीशियस। जी फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपसे शामी कबाब की जो मेन बेस है उसको बनाने का प्रॉपर तरीका आपसे शेयर करूंगी। गोश्त और दाल का क्या तनासब होना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे शामी कबाब को सॉफ्ट, यमी और डिलीशियस बनाते हैं। तो हमेशा की तरह बहुत ही आसान तरीके के साथ ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन टेस्ट पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उस फूडीज फ्रेंड का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मेरी वीडियोस को, मेरी रेसिपीज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जज़ाकअल्लाह। तो चलिए देखते हैं कि इन मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गाय का गोश्त लिया है 1/2 kg। इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 गिलास, क्योंकि इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। तो आप अपने कुकर के मुनासिबत से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालिए 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 चाय का चम्मच। इसके अलावा अब आपने इसमें कुछ नहीं डालना, जस्ट कुकर का ढक्कन लगाएं और इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कि गाय का गोश्त गल चुका है या नहीं। अगर गाय का गोश्त इसकी सॉफ्टनेस देखें बोटी की, अगर ये प्रॉपर नहीं गला हो, बिल्कुल इसको प्रॉपर कुक होना चाहिए, ये अच्छे से कुक हो चुका है, बिलफर्ज नहीं भी होता, तो आप मज़ीद 5 से 10 मिनट इसको प्रेशर लगा लें। मज़ीद अब इसमें पानी नहीं डालूंगी। इसी यखनी में अब आपने चने की दाल डालनी है। चने की दाल मैंने ली थी 1/2 किलो, 2 घंटे पहले भिगो के रख दें। दाल में आप कमी बेशी कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे, मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 1 प्याज डाल दें। लहसुन की जगह 8 से 10 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा डालें क्योंकि चने की दाल बादी होती है, दयान और लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक और शामिल कर दें, लाल मिर्च 2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया क्रश 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। शुरू में ये चीज़ें मैंने इसलिए नहीं डाली कि ये अपनी गजाइत ना खो दें। दाल के साथ मैं इनको प्रेशर लगाऊंगी। यहाँ पर नाज़रीन, मैंने प्रेशर लगाना है दाल को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो देख लें, अगर यखनी कम है तो थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल कर दें, तकरीबन 1/2 कप। ये देखिए, इतना कम से कम पानी होना चाहिए। अब इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इसको मैं दाल को चेक करती हूँ कि दाल अच्छे से गल चुकी है या नहीं। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि दाल अच्छे से कुक हो, थोड़ी सी मुझे ये खड़ी खड़ी लग रही है, इसको चेक करती हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पर आपने मज़ीद इसको प्रेशर नहीं लगाना, इसमें थोड़ी सी कसर है, यानी कि ये अच्छे तरीके से नहीं गली। तो इसी पानी में, या आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें और इसको ढक्कन दे दें, हल्की आँच पर इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आपको मैं दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ। माशाल्लाह, अब ये सही तरीके में कुक हो चुकी है। दाल का दाना भी मैं आपको नज़दीक से चेक करवाऊंगी। गोश्त और दाल बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। मुझे इसी कंडीशन में दाल चाहिए थी, ये देखिए। बिल्कुल मत घबराएं कि ये ज़्यादा कुक हो गई है, ठंडा होने पर यह मज़ीद सख्त हो जाएगी। ये देखिए, दाल का दाना चेक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दाल कुक हो गई है। थोड़ा सा गोश्त का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शामी कबाब का जो मिक्सर है वो रेडी हो चुका है। अब इसको एक बाउल में मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसके अंदर जो हमने साबुत खड़ा मसाला डाला था उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे ये बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं, उसको भी रिमूव कर दें। साबुत मिर्च की खैर है, वो कूटने के दौरान वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। तो ये चीज़ें बाहर निकाल लें। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ जो चॉप तकरीबन 1/2 कप, हरा मिर्च 2 से 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, थोड़ा सा इसमें मैं पुदीना शामिल कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है पुदीने की भी, तकरीबन 2 खाने का चम्मच पुदीना है। ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ इसकी गज़ाइत बढ़ाएंगी बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त इन चीज़ों से इसकी खुशबू भी आएगी। और यहाँ पर नाज़रीन, मैं आपसे चाहती हूँ कि धनिए बनाने का जो प्रॉपर तरीका है गज़ाइयत से भरपूर, वो आपसे शेयर करूँ। तो उसके लिए देखिए कि मैं धनिया कैसे बनाती हूँ। ये धनिया बनाने का बिल्कुल ही गलत तरीका है, इस तरह से आप बिल्कुल ना बनाएं।
सही तरीका ये है कि आप धनिए के जो डंडल हैं, यानी कि इसके जो सॉफ्ट हैं ये डंडल, इनको भी शामिल करेंगे। असल जायका और टेस्ट इन्हीं डंडलों में होता है। जहाँ तक सॉफ्ट पार्ट होता है धनिए का, तो कोशिश करें कि वो तमाम ही हम अपने खुराक का हिस्सा बनाएं। तो जो अच्छी बात आपको किसी से भी पता चले तो सदका जारिया समझकर आप भी आगे लोगों को बताएं, बहुत ज़्यादा मैं मशकूर होंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत ये धनिया है, और इसकी खुशबू वाला पार्ट यानी कि इसके डंडल भी लाजमी अपने हम शामी कबाब में डालेंगे, जिससे ना सिर्फ शामी कबाब की गजाइत बढ़ेगी बल्कि इसकी खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू भी आएगी। तो इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और नाज़रीन, जब मैं ये वीडियो देख रही थी कि मैं इसके डंडलों को काट रही हूँ, तो बड़ा ही खौफनाक तरीके से मैं इनको काट रही हूँ कि शायद जो छुरी है वो मेरे हाथ पे भी लग सकती थी। तो आप बिल्कुल इस तरह मत काटिएगा, आप इसके कटिंग के लिए कटिंग पैड का इस्तेमाल कीजिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे छुरी ने कोई नुकसान नहीं दिया। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने अच्छे से ये धनिए को काट लिया है। इसको अच्छे से धो लें और फिर शामी कबाब के मिक्सर में शामिल करते हैं। धनिया डालने के बाद अब यहाँ बारी आती है गरम मसाले की। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करें। नमक का टेस्ट भी यहीं पर करेंगे, नमक की कमी बेशी या मिर्चों की कमी बेशी अगर हो तो आप लाल मिर्च की जगह इसके अंदर चिली फ्लेक्स यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद, अभी ताज़ी ये दाल है, थोड़ी सी ये गर्म है, तो अभी मैं इसको पीसना स्टार्ट कर दूंगी। दाल को पीसने के लिए यहाँ पर मैं सिल्क कुंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और अच्छे प्रॉपर तरीके से इसमें ये दाल पिस जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लें, चॉपर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं आपसे यही मशवरा करूँगी, मेरी तो सलाह यही होगी कि आप इसी सिल के साथ ही इसको पीसें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, टेक्सचर बनेगा, लुक आएगी। ये देखिए अब कूटने को दरा इसके अंदर हमने जो शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया डाला था उसको भी अच्छे से आपने कूटना है। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। और जब आप इसी तरीके के साथ अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को ये शामी कबाब बना के देंगे और जब वो आपकी तारीफ़ करते हैं तो सारी थकन और थकावट यकीन जाने उसकी कीमत वसूल हो जाती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का, जिसने अपनी नेमतों से हमें नवाजा और हमें ये हिस दी, टेस्ट की हिस दी कि हम इन चीज़ों का टेस्ट कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार शामी कबाब की बेस यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए इसको। तमाम चीज़ें यकजान होनी चाहिए इसके अंदर, दाल और गोश्त के अंदर। तो चलिए अब शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो सिर्फ हाथ से इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं सांजे का इस्तेमाल कर रही हूँ। सांजे के इस्तेमाल के एक ये भी वजह है कि इससे इक्वली और प्रॉपर शामी कबाब बन के रेडी होते हैं। हल्का सा जस्ट मैंने इसके सतह पर पानी लगाया और इस तरीके के साथ आपने थोड़ा सा बैटर इसके अंदर डाल के किनारों से अच्छी तरह से दबाएं ताकि ये गोल शेप में आ जाए। तो ये सांचा भी आपको खरीद लेना चाहिए। टिक्की को निकालने का तरीका देखें इस तरह से। तो इसी तरीके के साथ मैं मज़ीद टिक्कियाँ यहाँ पर बना लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, 2 से 3 स्लाइस लें और इसको चॉपर के अंदर या जो जूस बनाने वाला ब्लेंडर है उसके अंदर डालकर आप इस तरह से फ्रेश क्रम्स बना लें। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा तकरीबन 1/2 कप, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और अच्छे से मिक्स डाल लें। इसके अलावा कोई चीज़ आप इसके अंदर नहीं डाल लें। इसका बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और बहुत ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, तब तक हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मैदे के मिक्सर में इसको डिप करना है और उसके बाद इसको कोटिंग करें प्रॉपर तरीके से क्रम्स की। अगर आपको क्रम्स बनाना नहीं आते तो प्लीज़ आप मेरे पेज पे जाइए, एशियन कुजीन में डीसी पे, वहाँ पर मैंने इसकी रेसिपी दी है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसी तरीके के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा शामी कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए जो बैटर जो है वो मैदे वाला बहुत पतला लग रहा था, आपने ऐसा करना है कि जब जब इसको फ्राई करें तो फ्राई करने से पहले इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून मैदा मज़ीद शामिल किया है। इसका टेक्स्चर देखें, कम अज़ कम इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक
लेयर से आपके शामी कबाब जो हैं ऑयल में फ्राई करते हुए खुल जाएंगे। तो आपने भी यही तरीके का फॉलो करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक बाय एक करके, वन बाय वन करके इसमें डालते जाएं। चूल्हे की आँच स्टार्ट में मीडियम टू लो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए चूल्हे की आँच आपने थोड़ी सी स्लो कर देनी है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करनी, वरना इसकी कोटिंग उतरने का खतरा होता है। ठीक हो गया, तो दूसरी साइड से भी हम मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। जब ये दोनों साइडों से फ्राई हो जाएं तो आप अच्छे से इनको ऑयल फ्री कर लें और इसको निकाल लेंगे। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह कितने अच्छे से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब इसको प्लेटर में निकाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आ रही है मेरे किचन से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो तैयार है मज़ेदार क्रिस्पी शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार। और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये किस कदर मज़ेदार यमी एंड क्रिस्पी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए मेरा पेज एशियन कुजीन मेड इजी, और यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ नाज़रीन अपनी चाहत की, मोहब्बत की, कि आप मुझे जो आपने दी है माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। बना के दीजिए अपने प्यारों को, उनकी दुआएं लीजिए। रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए रब रखा।